दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के वो रंग बढ़ंग जो रंग और ढंग आज तक चलते रहे। दोस्तों आज कुछ स्पेशल प्रोग्राम सैटरडे के दिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, और वो इसलिए भी होना चाहिए कि थोड़ा सा रिलैक्स मूड में आ जाइए वीकेंड, और वीकेंड के दिन कुछ राजनीतिक बातों को कुछ उस कायदे से कहा जाए जिस कायदे की सुनने की आपको जो है आदत पड़ चुकी है, तो थोड़ा कायदा बदल दिया जाए, स्टाइल बदल दिया जाए, वो इसलिए कि थोड़ा सा चेंज हो जाए, क्योंकि चेंज दुनिया का नियम है, परिवर्तन दुनिया का नियम है। अर्जुन ये जान लीजिए, ये कभी भगवान कृष्ण ने कहा था गीता का ज्ञान देते वक्त। और दोस्तों आज शुरुआत करेंगे, सोशल मीडिया एक ऐसा सब्जेक्ट रहेगा जिस पर बात करेंगे हम लोग, और इसलिए बात करेंगे क्योंकि बात करनी इसलिए भी जरूरी है कि ये था तो ये ना होता, और ये है तो ये ना होता, और ये ना होता तो वो ना होता। अब आप समझ रहे होंगे किन पहेलियों को मैं बुझा रहा हूं, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ाने से पहले इस ब्लॉग को, इस वीडियो ब्लॉग को, आपसे मेरा कहना यह है कि पहले लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब जंग थोड़ी सी छिड़ चुकी है, क्योंकि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आएगा, मेरा दावा है। दोस्तों शुरुआत करते हैं सोशल मीडिया के इंट्रोडक्शन की। जमाना था 2007, 8, 9 में, जब ट्विटर, फेसबुक, ऑरकुट और याहू चैट चला करती थी, स्पीड काफ़ी कम हुआ करती थी, लेकिन चल रहा था, धीरे 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 चल रहा था। व्हाट्सएप उस जमाने में आया नहीं था, हाँ थोड़ी बहुत दोस्ती की साइट मौजूद थी। उस जमाने में लोग फ्रेंडशिप ढूंढा करते थे, चैटिंग ढूंढा करते थे, अगल बगल कुछ मिल जाए बात करने के लिए, बस लगे रहते थे दिन रात। सवाल जो था, क्योंकि शादीशुदा लोग भी उस टाइम जवान हो गए थे, जी हाँ, किसी ना किसी को तलाश थी, किसी ना किसी गर्लफ्रेंड की। भाई आदमी होता मन का भावुक है, बस सब लगे हुए थे, एक चला ऐसा माहौल था। लेकिन धीरे धीरे ट्विटर पर लोग एक्टिव होने लगे, लोग फेसबुक पर एक्टिव होने लगे, फिर धीरे 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 आया वो साल 2009 के बाद, 2010, 11, 12, 13, जब फेसबुक पर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और महंगाई के चर्चे होने लगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता जैसे सोशल मीडिया पर छा गए। सोशल मीडिया था तभी तो ऐसा हुआ, सोशल मीडिया पर वो वादे और वो इरादे और वो हिंदू वीर की बातें चला करती थी, जो हिंदू वीर बड़े बड़े दावे किया करते थे। अगर सोशल मीडिया ना होता तो क्या ऐसा हुआ होता? सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ी हुई थी कि चाय वाला, चाय वाला, चाय वाला, चाय चाय बस चाय वाला तो छाया, और चाय चाय बेच करके बहुत सी पुरातन कहानियों को बस समेट दिया गया। बाल नरेंद्र का अवतार हुआ, बाल नरेंद्र का अवतार हुआ, मगरमच्छ पे सवार बाल नरेंद्र, भले ही आज उनके आंसू मगरमच्छी कहे जा रहे हो, लेकिन सोशल मीडिया ना होता तो बाल नरेंद्र मगरमच्छ वाला भी पैदा ना हुआ होता। जी हाँ, इस तरह नाकामयाबियों की दास्तान चल निकली। सोशल मीडिया पर उन सारी चीज़ों के बारे में जिक्र होने लगा जिनका जिक्र उस समय होना भी जरूरी था, क्योंकि नेगेटिविटी फैलानी जो शुरू हो गई थी, और हालांकि फेसबुक पर और ट्विटर पर आई हुई बातों को इतना तो कोई ना मानता था, लेकिन सोशल मीडिया था तो ऐसा हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी सोशल मीडिया पर सर्वे दिखाया करता था, बड़े बड़े सर्वे मनमोहन सिंह जी के खिलाफ, यूपीए सरकार के खिलाफ। अगर सोशल मीडिया ना होता तो क्या ऐसा होता? नहीं होता। अब जैसे जैसे सोशल मीडिया का जमाना आगे बढ़ता चला गया, एक ऐसे नेता को नकारा साबित कर दिया गया जिसने प्रधानमंत्री पद को ठोकर मार दी थी, एक ऐसी इटली से आई हुई बहू, भारतीय बहू को जिसका पति शहीद हो गया हो उसे विदेशी साबित कर दिया। अगर सोशल मीडिया ना होता तो क्या ऐसा होता? नहीं होता। सोशल मीडिया था और उन लोगों के हाथ में खेल रहा था जो सत्ता के लिए लालायित हो रहे थे। एक तरफ वो चेहरा था जिसको सत्ता नहीं चाहिए थी, उसकी सत्ता ना चाहने के भी कई मायने निकाले गए। उसको कहा गया, अरे इसको तो जिम्मेदारी निभाना ही नहीं आता। भाई जनता की अदालत में सोशल मीडिया ने प्रूव कर दिया, सोशल मीडिया ना होता तो क्या ऐसा होता? शायद ना होता। सोशल मीडिया वो ताकत बनता जा रहा था, वो हथियार बनता जा रहा था कुछ ऐसे बिगड़ेल नेताओं के हाथों में जो देश का भविष्य आने वाले समय में बदलने वाले थे। सोशल मीडिया ना होता तो क्या ऐसा होता? शायद ना होता। फिर धीरे धीरे 2014 की वो क्रांति आई, एक ऐसा नेता निकल करके आया ब्रांडिंग के साथ जिसके ब्रांडिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगर सोशल मीडिया ना होता तो क्या ऐसा होता?
अरे वो हिंदू वीर था, वो शाश्वत वीर था, और सोशल मीडिया जो था उसका वो सहयोगी था जिसने उसको प्रधानमंत्री बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की, और साथ में थे हमारे धनुर्धर वीर नारदों के नारद। जी हाँ, बहुत सारे नारद मुनि भी लगे हुए थे, बिकाऊ नारद जो थे। अरे भाई, बैकुंठ धाम के या सतयुग के टाइम के नारद थोड़े ही थे, ये तो वो नारद थे। नारद को वैसे पत्रकारों का गुरु कहा जाता है, जन्म वहीं से हुआ, लेकिन ये बिकाऊ नारद थे। बिकाऊ नारदों ने वो कमाल कर दिया सोशल मीडिया के साथ मिलकर के, कि असंभव को भी संभव बना दिया, सही चीज को गलत साबित कर दिया। अगर सोशल मीडिया ना होता तो क्या होता, ऐसा होता। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अपने पूरे वाल पर आ चुकी थी, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने इतना बवाल, इतना कमाल, इतना जहर फैलाना सोसाइटी में शुरू कर दिया था। इंसान इंसान से नफरत कर बैठा, भाई भाई से नफरत कर बैठा, माँ बेटे से नफरत कर बैठी, बीवी पति से नाराज हो गई और बहन भाई से नाराज हो गई। ये था वह जादू व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का। अगर सोशल मीडिया ना होता तो क्या ऐसा होता, नहीं होता। फिर 2014 के बाद कहानियां गाई जाने लगी, हनीमून पीरियड बीतने लगा, और इस हनीमून को पीरियड बीतने के साथ साथ वो सारी चीजें नुमाया होने लगी जो कहीं दब गई थी भाई। जी हाँ, सबसे पहले आया 15 लाख का वो करामाती सूट। अगर सोशल मीडिया ना होता तो क्या वो सूट बाहर आता, शायद नहीं आता। और जब वो सूट आया तो सूट बूट की सरकार बन गई। अगर सूट बूट की सरकार को सूट बूट वाली सरकार ना बोला गया होता सोशल मीडिया के द्वारा, तो क्या पहली बार आरोप लगवाता, लग पाता वीर नरेंद्र पर, बालवीर वीर नरेंद्र पर। धीरे धीरे कहानियों की रफ्तार बढ़ने लगी, सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोपों की झड़ियां विपक्ष और सरकार के बीच एकदम से बढ़ने लगी। बहुत सारी चीजों के खुलासे धीरे धीरे होने लगे, कुछ खुलासे होते, कुछ खुलासों को नकार दिया जाता, लेकिन सोशल मीडिया जो था उस वानगी में एक दूसरे के साथ दो लोग लड़ते हुए नजर आए। बहस छिड़ी ट्विटर पर सबसे पहले फोन के अधिकार को लेकर के, आजादी के अधिकार को लेकर के। कुछ ऐसा कानून लाने वाली थी सरकार जिसमें फोन के डेटाज वगैरह को काबू में करना था, उसके लिए पहला कैंपेन चलाया गया विपक्ष के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, राहुल गांधी उसमें शामिल थे। खैर, सरकार पर दबाव बना। अगर सोशल मीडिया ना होता, ट्विटर ना होता तो क्या ऐसा होता, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। और भले ही उस समय जो गवाऊ और नचनिया मीडिया था वो सरकार के द्वार में, दरबार में तक दिन 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 नाच रहा था, और उस ढपली के ऊपर कूद रहा था जो ढपली उसके हाथ में थमा दी गई थी। भाई, ढपली थी, कोई ऐसी बात थोड़ी थी। अब ढपली का तो गाना भी है, ढपली वाले ढपली वाले ढपली बजा मैं तो नाचूंगी, समथिंग ऐसा ही था ना कुछ। हाँ, चलिए, ढपली ढपली बज गई, पूरे देश की ढपली बज गई। अब धीरे 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 एक नया चुनाव आने वाला था। इसी बीच राफेल की कहानी आई और नोटबंदी की कहानी आई, लेकिन वहां लाइन लगी हुई थी, और जीएसटी पर भी बहुत सारे कमाल हुए थे, इतने सारे कमाल के लोगों में गुस्सा था, लेकिन सोशल मीडिया था तो दिखाया, लेकिन सरकार ने उसको छुपाया। सोशल मीडिया ना होता तो क्या ऐसा होता। कभी सोशल मीडिया ने किसी की मजबूरी दिखाई, कभी सोशल मीडिया ने भारतीय जनता पार्टी नेताओं की मस्तियां दिखाई, कभी असफलताएं दिखाई, कभी सफलताएं दिखाई। अगर सोशल मीडिया ना होता तो क्या ऐसा होता। यह वही सोशल मीडिया था जिसने कभी एक अदना से चाय वाले को देश की उस कुर्सी तक पहुंचा दिया जो सर्वोच्च कुर्सी होती है, जिसके हाथ में वो सारे तार होते हैं जो देश को सजा भी सकता है, सवार भी सकता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिंदुस्तान के सारी डोरों को अपने कब्जे में ले लिया। जी हाँ, चाहे न्यायपालिका हो, सीबीआईडी, ईडी, और ये खुलासा किसने किया, मीडिया ने नहीं किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, ये किया सोशल मीडिया ने। क्या अगर सोशल मीडिया ना होता तो क्या ऐसा हुआ होता, शायद ना हुआ होता। आंसुओं की चित्कारें और बिलखते लोगों की पुकारें, भूख से मरते हुए लोग और बेरोजगार लोगों की आवाजें, अगर सोशल मीडिया ना होता तो कौन उठाता। सोशल मीडिया पर चलने वाले हैशटैग किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मुंह चढ़ाने लगे थे, शायद सरकार को बुरा लगने लगा था, क्योंकि सोशल मीडिया ना होता तो फिर ये भी ना होता, क्योंकि जब सोशल मीडिया था तब उनके हिसाब से काम हुआ। अब सोशल मीडिया में जागरूक लोग जिन्हें हैश ट्रेंड चलाना नहीं आता था, ट्विटर की चिड़िया
मीडिया पर वो सोचते थे दस बार जाने से पहले कि भैया चलाना कैसे। फेसबुक पर लोग आना बड़ी बेइज्जती समझते थे, उनको लगता था नेताओं को, अरे यार ये टुच्चई वाला काम है, यहाँ मतलब लाइनबाजी चलती है और कुछ नहीं चलता, एक दूसरे को फ्रेंडशिप करते हैं और कुछ नहीं करते। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी फीमेल आईडीज बना करके लोगों को बड़ा भड़काया था। ये था, और आज सोशल मीडिया तब था और आज है कि संभलता ही नहीं, कभी ट्विटर है, कभी फेसबुक है, कभी यूट्यूब है। उन्होंने इतनी रवानगी डाली है कि सरकार की नाक में दम कर दिया है। अगर सोशल मीडिया आज ना होता तो क्या हिंदुस्तान थोड़ा सा जागरा होता? देखिए दोस्तों, आज तक की पहली सीरीज यहीं समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि सोशल मीडिया ना होता तो ये भी ना होता, हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते। इसी तरह अब सेकंड जो धारावाहिक होगा वो आपकी पसंद और नापसंद पर होगा। जितना वीडियो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इसका दूसरा पार्ट अगले सैटरडे को आएगा। ये डिपेंड करता है कि आप कितना पसंद करते हैं इस हल्की फुल्की कॉमेडी को। ये ना होता तो वो होता, वो होता तो ये ना होता, ये होती तो राधा ना होती, राधा होती तो कृष्ण ना होता, राम थे तो सीता ना होती, बीजेपी थी तो मुर्दे ना होते, कोरोना था तो वैक्सीन ना थी, सोशल मीडिया ना होता तो ये कौन बताता। तो सेकंड कड़ी अगले शनिवार को कुछ चटपटी खबरों के साथ लेकर के आऊंगा आपके बीच। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आता रहूंगा आपके लिए। एक बार फिर नमस्कार दोस्तों, शेयर करना मत भूलिएगा।